नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। अभी हम रामनगर इलाके के बिलासपुर गाँव में है और वहाँ बीजेपी के बहुत एक्टिव मेंबर श्री मधुकर राय जी के यहाँ है और उनका स्टेटमेंट जानने की कोशिश करते हैं, उनका व्यू जानने की कोशिश करते हैं, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं, जो उनका अपना पर्सनल भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और पार्टी का गाइडलाइन के हिसाब से हो सकता है। जो रिएक्शन उनके मन में है, जब माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया है जिसपे काफ़ी बवाल हो रहा है, काफ़ी मतलब कि आलोचनाएँ हो रही हैं। हर आदमी अपने अपने मन से उनको उनकी आलोचना कर रहा है, उनका क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इन सर से जानते हैं कि इनके क्या इनकी क्या राय है। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, राय मैं सदस्य प्रदेश कार्य समिति बिहार भाजपा हूँ। और सर, सबसे पहले एक बहुत दुखद खबर है कि हमारे बिहार के एक सांसद महोदय श्री शरद यादव जी, उनका निधन हो गया है। पहले वहां से शुरू करते हैं। शरद यादव जी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में, खास करके जयप्रकाश आंदोलन के बाद से एक ऐसी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जो भले ही मध्य प्रदेश से आते रहे लेकिन बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। बिहार की राजनीति को उन्होंने प्रभावित किया और निसंदेह वो एक ऐसे नेता रहे जिनको उनके जीवन काल में, खास करके संसदीय काल में, उनको छोड़कर उनको नकार कर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सका। आज मैं उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 7 बार के सांसद और सर्वमान्य नेता के रूप में शरद यादव जी रहे, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार इस दुख को सहन कर सके। अब फिर खास टॉपिक पे आते हैं, जो बयान दिया गया है, जो स्टेटमेंट आया है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से। बिहार के शिक्षा मंत्री के तरफ से ये बयान आया है कि इस बात का दुख है, व्यक्तिगत कोई भी विचार हो सकते हैं, हमारा समाज विभिन्न विचारधाराओं को लेकर चलता है, अनेकता में एकता का विषय होता है भारतवर्ष में, लेकिन चूंकि बिहार के शिक्षा मंत्री उन्होंने एक पवित्र और प्रमाणिक ग्रंथ के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये ग्रंथ नफरत फैलाने वाला है। आज तक हम या हमारे जैसे सनातन धर्मावलंबी या कोई व्यक्ति राम को एक मर्यादित जीवन जीने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानता है और उनके कृत्यों को, हम रामायण को राष्ट्र धर्म के रूप में, राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में भी मानते हैं। जीवन जीने का सलीका गांधी से लेकर अभी तक रामराज की कल्पना, ये महज ऐसे ही नहीं की गई है। कहीं पर निषाद की मित्रता, कहीं सबरी के वेद, कहीं जनजातियों में सुग्रीव को मित्र बनाना, हनुमान और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण युद्ध का विजय प्राप्त करना और सबों के प्रति समान भाव रखना, यह रामायण की मूल भावना है। और शिक्षा मंत्री होने के कारण उनको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो उन्होंने किसी एक संदर्भ को उठाकर अपने विचार को रखा है, वो संदर्भ कोई भी हो सकते हैं, उस संदर्भ के बारे में बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का अधिकार सबको है, ये हमारे संविधान में और आज हम एडॉप्ट कर चुके हैं, इसलिए शिक्षा के अधिकार के बारे में बोलते बोलते एक दीक्षांत समारोह में हमारे शिक्षा मंत्री ने एक ऐसी अनर्गल बात कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। इसे पूरा समाज, राम को मानने वाले, रामायण को मानने वाले सभी लोग आहत है, उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इसके लिए उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं और माफ़ी मांगने से वो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आज का जो रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया है उसमें जो कोट कर रहा है कि मनुस्मृति जो बुक है उसमें 80% जो SC ST के लोग हैं उनको गाली दिया गया है, उनके बारे में ये लिखा गया है कि इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बात को किसी को संदर्भ को तोड़ मोड़ के पेश करने का काम उन्होंने किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कैसे दल के शिक्षा मंत्री के रूप में हैं जो जातिवादी राजनीति के पुरोधा हैं। अगर राजनीति में जातिवाद से अलग राष्ट्रवाद का विषय होता, जो भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है जिसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं,
ये कल एक ऐसे विषय को उठाकर उन्होंने ये विवाद खड़ा किया है जो अप्रासंगिक है और कभी भी रहा है। मैं समझता हूँ उन्होंने समाज को बांटने के लिए ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने SC ST या अन्य किसी व्यक्ति को जातियों में भेद करके बांटने का काम किया है और मैं समझता हूँ राजनीति में इसका आज विशेषकर धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। जातिवाद तब होता है जब किसी खास जाति के प्रति कोई खास टिप्पणी होती है। मैं समझता हूँ कि मनुष्य जाति है और इसके उत्थान के लिए सभी को काम करना चाहिए। भारतवर्ष में सभी लोग समान हैं और सभी को सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव सिखाया गया है। विशेषकर सनातन धर्म में किसी के प्रति कोई बुराई रखने का कोई विषय नहीं है और मैं समझता हूँ ये बात सर्वविदित है कि हमारे यहाँ विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, पंथ के लोग हैं जो अपना आचरण करते हैं, जिनके प्रति कोई विदर्शना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम समझते हैं शिक्षा मंत्री के रूप में विशेषकर उनकी जिम्मेदारी बनते थे ऐसे वक्तव्य बने, उनको अविलंब इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरा यह विचार आपके हिसाब से उनको अविलंब इस पे माफी मांगनी चाहिए और सबसे बड़ी जात जो है वो मानवता की जात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति, रामचंद्र मानस और बंच ऑफ थॉर ये जो है ये बांटने का काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं समाज को जोड़ने का, समाज में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सारी जो किताबें हैं ये समाज को बांटने की बात करती हैं। RJD के शासन में जो पिछले 15 साल जो उन्होंने माननीय लालू यादव उनकी कंपनी ने शासन किया, समाज के सभी लोगों ने देखा है कि जाति को उन्होंने बांटने का काम किया है, एक जातीय पंच बनाने का काम किया है सत्ता में रहने के लिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि आज राजनीति में जाति का महत्व ज्यादा बढ़ा है सत्ता में रहने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये इसलिए हुआ है कि हर दल ऐसा करता हुआ प्रतीत हो रहा है और समाज के लोगों को जोड़ना ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। समाज के भीतर ही कई और समाज बनाने का काम, सत्ता में बने रहने का काम है। ये एक तरह से कहें कि जो साम दाम दंड भेद है उसमें से एक प्रकार है कि समाज को बांटकर सत्ता में बने। चंद्रशेखर जी ने बतौर शिक्षा मंत्री, मैं बार बार कहूँगा बतौर शिक्षा मंत्री उनका वक्तव्य निहायत गलत है और एक ऐसे पद पर रखकर समाज का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो शायद क्षम्य होगा, लेकिन अगर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अगर ऐसी भेद की बातें करते हैं और वो भी शिक्षा का जब समान अधिकार सबको है, राइट टू एजुकेशन सबको है, ऐसी स्थिति में उनको पता नहीं किस बात के लिए उनको ये बात कहनी पड़ी एक दीक्षांत समारोह में। मैं समझता हूँ कि समाज में अगर कभी कोई अगर भेद रहा भी होगा तो आज तो मैं समझता हूँ वर्तमान में इस बात को उठाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति और नफरत पैदा करना है। मैं समझता हूँ कि ये रामायण और मनुस्मृति कहीं नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री ने बेवजह इस नफरत को जन्म दिया है जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ उनको क्षमा मांगनी चाहिए और समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। यही मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का भी यही है। समाज में सबको एक साथ लेके चलना चाहिए ये माननीय महोदय का विचार है और इनके हिसाब से पार्टी का भी यही गाइडलाइन है, पार्टी का भी यही विचार है और होना भी यही चाहिए था कि सब लोग एक साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके चलें, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा करते रहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर आप हमारे चैनल पर समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुजीब कैमरा पर्सन करीम के साथ भी लेने